बिहार से लेकर दिल्ली, यूपी, मुंबई तक धूमधाम से मनाया गया सूर्य उपासना का महापर्व छठ। उगते सूरज को अर्घ देने के साथ गुरुवार को पूजा का समापन हुआ। घाटों पर व्रतियों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग आस्था का पर्व छठ गुरुवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया। चार दिवसीय इस अनुष्ठान के चौथे दिन अर्घ के बाद व्रतियों ने अन्न जल ग्रहण कर पारण किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उदयमान सूर्य को अर्घ दिया और छठ संपन्न होने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। वहीं दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी छठ पूजा के तीसरे दिन ढलते हुए सूर्य को अर्घ देकर पूजा अर्चना करी थी। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल श्रद्धालुओं को बधाई देने ईस्ट के दुबई नगर छठ घाट पर पहुंचे थे। यहां पर मुख्यमंत्री ने छठ पूजा करने वाले श्रद्धालुओं से मुलाकात की और उन्हें बधाइयां दी थी। सोमवार को नहाए खाए के साथ छठ पूजा शुरू हो गई थी। दूसरे दिन खरना की रस्म पूरी करने के बाद महिलाओं ने निर्जला व्रत शुरू किया। तीसरे दिन यानी बुधवार को डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ पर्व का समापन हो गया। दिल्ली में आर्टिफिशियल घाटों पर व्रतियों ने पवित्र डुबकी लगाई। हालांकि यमुना का प्रदूषित पानी पूरी तरह से झाग से भरा हुआ था। इस प्रदूषित पानी में ही लोगों ने डुबकी लगाई। देश के कई हिस्सों में सफलतापूर्वक व्रत पूरा होने की खुशी जाहिर करते हुए ढोल नगाड़े के साथ डांस कर श्रद्धालुओं ने सूप में अर्घ्य की सामग्री रखकर भगवान का ध्यान रख नमन किया। आईएनएस रिपोर्ट।